नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत। सीधी तस्वीरें आप इस समय पानीपत के मॉडल टाउन गुरुद्वारा के बाहर से देख रहे हैं। आपको इस गुरुद्वारा साहब की खासियत बता दें, 28 से 30 हज़ार लोग यहां दो टाइम का खाना लेकर जाते हैं। खुला लंगर जो है गुरुद्वारा समिति के जितने भी मेंबर हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, जितनी भी संगत हैं यहाँ मॉडल टाउन में आती है, उनकी तरफ से खुला लंगर जो है यहाँ लगाया जाता है। आपको थोड़ी सी खासियत बता भी दें और दिखा भी दें। यहाँ बुज़ुर्गों के लिए, जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए अलग से लाइन तैयार करवाई गई है। इस पूरी लाइन को आपको दिखाएंगे। उससे पहले यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग देख लीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग, मुंह पर मास्क, मुंह पर परना डालकर ये इन लोगों को जो है लंगर वितरित किया जाता है। पानीपत के मॉडल टाउन गुरुद्वारा से ये लाइव तस्वीरें आप वॉइस ऑफ पानीपत पर इस समय देख रहे हैं। ये लाइन कितनी लंबी है ये थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। ये मॉडल टाउन गुरुद्वारे के बाहर से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। बुज़ुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, अलग से उनकी लाइनें बनाई गई हैं बिल्कुल सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए। इसे यहाँ पर लंगर वितरित किया जाता है दो टाइम का। जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि दो टाइम का खाना यहाँ पर जो लंगर है वो वितरित किया जाता है। आसपास की कॉलोनियाँ हैं, बत्रा कॉलोनी, गोपाल कॉलोनी, इंडस्ट्री एरिया के जितने भी यहाँ पर लोग हैं वो यहाँ पर लंगर लेने के लिए दो समय यहाँ पर आते हैं। सुबह और शाम को लंगर लगाया जाता है, जैसा कि आप लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं। लंगर लेने ये अभी ये रास्ता जो है स्टेडियम की तरफ ये रास्ता जा रहा है। उस ये तस्वीरें आप इस समय वॉइस ऑफ पानीपत पर लाइव देख रहे हैं। पहली बार आपने इतनी लंबी लाइन देखी होगी मॉडल टाउन गुरुद्वारे के बाहर से। ये लाइन आप देख रहे हैं और ये लाइन यहाँ तक बात की है और इस समय हम चौक पर पहुँच गए हैं। और अभी जहाँ तक देखिए लंबी लाइन जो है पूरी दिख रही है, स्टेडियम तक ये लाइन जो है अभी पहुँच गई है, जैसे कि अभी हम लोग देख पा रहे हैं लाइव तस्वीरों में। ये पूरा का पूरा रोड जो है इस समय भरा हुआ है, दो लाइनें लगाई हैं। पुलिस प्रशासन के लोग भी यहाँ पर हैं, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग को पूरा यहाँ मेंटेन किया गया है। मॉडल टाउन के गुरुद्वारा साहिब के बाहर से ये तस्वीरें देख रहे हैं। लोग जो भी बताया गया 23 से 24 हज़ार लोगों को यहाँ खाना खिलाया जाता है। यहाँ पर बत्रा कॉलोनी से लेकर पूरेवाल कॉलोनी तक के लोग यहाँ पर खाना लेने के लिए, जो जरूरतमंद लोग हैं वो खाना लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। बड़ी अच्छी व्यवस्था गुरुद्वारा साहिब के जितने भी पदाधिकारी और सिख संगत हैं वो उन्होंने यहाँ पर की हुई है। जब से लॉकडाउन हुआ है तभी से ये लोग जितनी भी संस्थाएं हैं उनको भी लंगर दे रही हैं और जो डायरेक्ट इनके पास पहुंच रहा है उनको भी लंगर पहुंचाया जा रहा है। दिन रात ये सेवा की जा रही है। तो साथ में जिसको मास्क की जरूरत है उसको मास्क भी दिया जाता है पदाधिकारियों की तरफ से। आप ये लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर जरूर करें ताकि आम लोगों तक भी जानकारी पहुंचाई जा सके। ये जहां तक नज़र जा रही है वहीं तक लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। तो मॉडल टाउन के ये स्टेडियम रोड की आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं और दूसरी साइड की बात की जाए तो उसमें काफ़ी संख्या में महिलाएं हैं। महिलाओं की अलग से लाइनें जो है तैयार करवाई गई हैं। तो उधर भी आपको थोड़ी सी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि वहाँ कैसे प्रबंधक कमेटी ने बड़े सुसज्जित ढंग से इस चीज़ को दिखाया है कि सोशल डिस्टेंसिंग भी पूरी हो, मुंह पे मास्क भी होना चाहिए। बुज़ुर्गों की लाइन अलग से है, युवाओं की लाइन अलग से हैं और ख़ास तौर पर महिलाओं के लिए भी अलग से प्रबंध किया गया है ताकि किसी प्रकार
किसी भी जन को कोई दिक्कत ना हो, सबको खाना मिले। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करें, क्योंकि पानीपत की जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं उन्होंने प्रण लिया है कि किसी को भी भूखा नहीं रहने देंगे, और इसी के तहत मॉडल टाउन में खुला भंडारा जो है सुबह और शाम दो टाइम चलाया जाता है। जितने लोगों को परिवार में जितने भी सदस्य हैं वो यहाँ से खाना लेकर जाते हैं। जो प्रवासी मजदूर है, लेबर तबके के लोग, जिन जो ज़रूरतमंद हैं, वो यहाँ से खाना लेकर जाते हैं। दो टाइम की सेवाएं इन्होंने चला रखी हैं। ये मालटन गुरुद्वारे के बाहर सी तस्वीरें, अगर जो परली साइड की बात की जाए वहाँ काफ़ी संख्या में महिलाएं जो हैं वो लाइन बनाकर खड़ी हैं। उनको भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो इसके लिए भी पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद रहता है दो समय, ताकि कोई सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना ना करें। तो मॉडल टाउन की तस्वीरें हम लोग लाइव आपको दिखा रहे हैं। सूचना ये थी कि सुबह से लेकर शाम तक लंगर लगाया जाता है और हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर लाइनों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। हालांकि उनकी बारी लेट से आती है, लेकिन खाना जो है, लंगर जो है, सबको दिया जाता है। आप देख सकते हैं चावल की सेवा है, रोटियां दी जाती हैं, दाल का प्रबंध है, दो टाइम लंगर वितरित किया जाता है। कोई भूखा ना रहे इसके लिए मॉडल टाउन के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद रहते हैं। तो मॉडल टाउन गुरुद्वारा साहब के प्रधान मोहनजीत जी हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। प्रधान जी, कितना टाइम सेवा होती है, कितों कितों लोग आते हैं? मेरे लंगर पकाने की सेवा जी 4:30 के करीब शुरू हो जाती है। सेवादार लगभग सारा दिन ही 10 बजे तक रात लंगर चलता है। पानीपत का शायद ही कोई ऐसा कोना हो जितों लंगर लैन वास्ते कोई ना कोई जी ना आता हो। सब सारे इलाकों तो, काबड़ी रोड तो, बेरी वाली मस्जिद साइड तो, उतों के जो मुस्लिम वीर ने साडे वह भी इतों ही लंगर लैके जा रहे हैं। विकास नगर तो, अठ मरला तो, शांति नगर, गौतम नगर, इन पूरे एरिए तो काफ़ी संगत इतों साढ़े को। किन्नी को एवरेज किन्नी को पै जाते रोज़, किन्ने को लोग आ जाते हैं? एवरेज लोग जोड़े आते हैं, देखो लोग तो 2-3 हज़ार लोग आते हैं। उनके नाल कोई 8 जिया का, कोई 10 जिया का, अपने घर के परिवार के जिन्हें मैंबरस ने उन्हों का लंगर पैक करा के अभी भेजने। लगभग 20-25 हज़ार के दरम्यान जो लंगर है सवेर तो शाम तक इतने असं संगतों को सरवाइव करा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। हाइजीनिक फूड बहुत सोहना तरीके दे नाल, बाबे नानक के दसे संदेश के मुताबिक लंगर जोड़ा है वो चलाया जा रहा है। और इन्दे विच खास तौर पर जोड़ा सा योगदान आ रहा है वो शहर वासियों का योगदान बहुत सोहना मिल रहा है। प्रशासन का तो मिल ही रहा है, शहर वासियों ने कोई चाहे वो रेहड़ी वाला है, चाहे वड्डे तो वड्डा एक्सपोर्टर है, या गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने, सिपाही साढ़े पुलिस के, चाहे कॉन्स्टेबल ने, हर बंदा आ के अपना सवेर तो शाम तक अपना अपना जिहड़ा हिस्सा इस लंगर च पा रहा है, जिस करके लंगर जिहड़ा चढ़दी कला दे नाल चल रहा है। कि लंगर च की रोज़ अलग अलग डिश देंदे, की चीज़ देंदे? हाँ जी, हाँ जी, लंगर विच ज़्यादातर तो वैसे दाल प्रशादा ही चलता है, मगर नाल नाल थोड़ा बदलाव वास्ते जिवें अज राजमा चावल चल रहे हैं, सवेर के चावल छोले भी चल रहे हैं, विच किधरे किधरे पिठे की सब्जी बना ली दी है, होर सब्जियां जिहड़ियां ने मौसमी सब्जियां जिहड़ियां भी अवेलेबल होंदियां ने असीं उह नालों नाल बना के उहदे वास्ते ताकि इको जिहा टेस्ट ना रहे थोड़ा चेंज कर देने हैं। संगत वास्ते असीं कोशिश करांगे, अज का जिहड़ा साडे ते भयानक समां जिहड़ा आया है करोना वायरस करके, ये शायद साड़ी जिंदगी असी पहले कभी नहीं वेख्या, और अज खाने दे वास्ते इन्नी इन्नी लंबी लाइना दे विच लग के साडे अपने भरा, चाहे वह यूपी, बिहार, MP,
या इतों के रहने वाले मजदूर भरा जो लाइन लगे ने वेख के मन भर जाता है बी चार प्रशादियों वास्ते एक इंसान को 2 किलोमीटर चल के और उदू बाद लाइन लग के और इन्नी देर वेट करके आना पै रहा है। मतलब असी मेरे कोई शब्द नहीं ऐसा परमात्मा दिन जरा जिंदगी किसी ना विखाए जरा बेचारे साढ़े भरा जो प्रदेश आके कुछ सरकारी मदद भी मिल रही है जी। सरकारी मदद तो है भी डिस्ट्रीब्यूशन है सानू सरकार साथ दे रही है होर फाइनैशियली असी कोई साडा असी सपोर्ट कौन नहीं दी साडे कोल प्रशासन वालों यही सहयोग मिलता भी सानू डिस्ट्रीब्यूशन जरा सहयोग करते हैं पुलिस प्रशासन बहुत सहयोग कर रहा सा मैं जरा तो बिल्कुल मोहनजीत जी प्रधान जी हमारे साथ थे इधर की लाइनें भी आपको थोड़ी सी दिखा दें। आप देख सकते हैं सड़कों पर लंगर लेने वालों की भीड़ एक मेले जैसा नज़ारा यहाँ सुबह शाम देखा जाता है। लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि बिना सरकारी मदद के यहाँ पर 2 टाइम का लंगर मिलता है चाहे वो 8 लोगों के लिए चाहे 10 लोगों के लिए घर पे लेके भी जाए। तो ये तस्वीरें मॉडल टाउन की हमने दूसरी तरफ की दिखाएं, पहली तरफ की आपको तस्वीरें और दिखा दें जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में आपको जहाँ तक नज़र जाए महिलाएं नज़र आ रही हैं। ये लाइव तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि सब तक ये खबर पहुँच जाए। जो लोग अभी भी खाने से वंचित हैं वो यहाँ पर आकर खाना ले सकते हैं 2 टाइम का लंगर ले सकते हैं। तो चाहे बुजुर्ग हो चाहे युवा हो यहाँ पर सेवा करते भी नज़र आ रहे होंगे आपको। जितना भी लंगर चाहिए खुला लंगर यहाँ पर बनाया जाता है। ये नहीं है कि 2 रोटियाँ दे दे 4 रोटियाँ दे दे 10 रोटियाँ दे दे, जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से खाना प्रोवाइड करवाया जाता है। लंबी लाइनें इस समय मार्टन गुरुद्वारा के बाहर से देख सकते हैं। सबसे बड़ी अच्छी बात यहाँ देखने को ये मिल रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। कुछ युवा भी मेरे साथ हैं उनसे बात की। आपकी क्या ड्यूटी लगी है जी? हम जी यहाँ लाइनें की व्यवस्था करवाते हैं सारा, जो देखते हैं कोई भीड़ ना हो कहीं इकट्ठे ना हो लोग, सब वही चीज़ देखते हैं जी। यहाँ पे इनको पर्ची दी जाती है कितने लोगों का खाना ले रहे आए हैं, जो एक लेडीज आती है वो सब चीज़ हम सेवा देख रहे हैं जी। यहाँ लंगर की सेवा देख रहे हैं। कितने बजे आ जाते हो सेवा करने? सुबह 9 बजे आ जाते हैं जी और शाम को रात को 8 बजे जाते हैं जी, यहाँ से 8:30 बजे जाते हैं जी। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन उसके लिए ये इनके ये गोले बनाए हुए हैं जी, 1-1 मीटर के दायरे में ये सब चीज़ इनको बता रखा है जी। अपने अपने गोले में खड़े होते हैं जी, ना आगे ना पीछे, प्रॉपर लाइन से चलते हैं जी सब लोग। कितने लोग आ जाते हैं रोज? ये करीबन 20,000 से 25,000 का डेली का है जी। सुबह और शाम 2 टाइम खाना चलता है जी और पैकिंग भी जाती है यहाँ से, जो दूर कॉलोनियाँ हैं उसमें कई 500 की कई 1,000 की वो पैकिंग अलग से जाती है जी सबकी। तो ये पूरा रोज का रिकॉर्ड होता है आपके पास? जी पूरा रोज का रिकॉर्ड है जी हमारे पास, ये बुक कापी लगी हुई है और इस पे पर्चियाँ हम काट के देते हैं जी। डेली का डेली हमारा पूरा रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन है जी सारा। तो ये रिकॉर्ड रखा जाता है आपकी तरफ? ये रिकॉर्ड हम बना रहे हैं जी, ये लेडीज़ का है, जेंट्स का भी पूरा रिकॉर्ड जो है हमारा, किस कॉलोनी से कितने बंदे का खाना जा रहा है वो सब चीज़ हम जो इसमें मेंटेन रखते हैं जी अपनी इस रजिस्टर में, कि कौन सी कॉलोनी में कितना खाना जा रहा है वो सब चीज़ इसमें पूरा मेंटेन है जी प्रॉपर तरीके से। तो ये बड़ी अच्छी तस्वीरें इस समय आप ऐसा पानीपत पर देख रहे हैं। एक बार फिर से तस्वीरें आपको दिखा दें, जहाँ जहाँ तक नज़र जा रही है मॉडल टाउन के इलाके में वहीं जरूरतमंद लोग आपको खाना मिलते लेते दिखाई देंगे। अभी प्रधान मोहनजीत जी ने बड़ी अच्छी बात की कि ऐसा भी समय देखना पड़ेगा कि 2-2 किलोमीटर से लोग सिर्फ 4 रोटियां लेने के लिए आ रहे हैं। ये कुदरत का कैसा कह रहे हैं कि लोगों को इतनी लंबी लाइनों में खड़ा कर दिया। अभी तस्वीरों में हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ गर्भवती महिलाएँ भी हैं अपने परिवार का पेट पालने के लिए, अपने बच्चों के लिए खाना लेने के लिए वो लाइनों में लगी हुई हैं। तो ये मॉडल टाउन के गोल मार्केट से जो रास्ता जा रहा है 8 मरले को, वहाँ की लाइव तस्वीरें आप इस समय वैसो पानीपत पर देख रहे हैं। जितने भी युवा हैं जितने भी बुज़ुर्ग हैं
महिला सेवादार हैं वो सब यहाँ पर सेवा करती आपको दिखाई देंगे। पुलिस प्रशासन का भी पूरा सहयोग यहाँ आपको देखने को मिलेगा। सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए तो एक गोलदारा जो है आप देख रहे होंगे, एक गोलदारा बनाया होगा, इसके बीच में ही जो खाना लेने वाले हैं वो यहाँ पर खड़े होते हैं, जब अगले की बारी चली जाती है फिर वो पीछे से निकलती हैं। तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन लोगों को, इन पदाधिकारियों को, इन सिख संगतों को और जितने भी युवा और बुज़ुर्ग हैं उनको हौसला मिल सके। और ये जो सेवा है लॉकडाउन के दौरान, ये सेवा वैसे ही चलती रहे जब तक ये लॉकडाउन, ये कुदरत का कहर ख़त्म ना हो। तो वैसे पानीपत पर आप जुड़े रहिए, पल पल की जो अपडेट है हम लोग आपको देते रहेंगे। नमस्कार।